Hey buddies, how are you? Hope you are at home and healthy and safe. My name is Marjina Banu and welcome back to my channel. Well, I have something special for non-veg lovers. So today I'm going to make chicken pulao और हम इसको बिना pressure cooker के बनाएंगे. You can also make with pressure cooker. पर हम इसको बिना pressure cooker में बनाएंगे, वो भी एकदम खिले खिले चावलों के हम पुलाव बनाएंगे. So without wasting time, let's get start the video. सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं चिकन पुलाव के. हमने यहाँ पे इस साइज के 9 to 10 अनियन कट किए हैं पतले पतले, और हमने यहाँ पे लिए 5 to 6 ग्रीन चिली मीडियम साइज की, और इनको ऐसे कट करके मिक्सर जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पीस लेंगे. ये देखिए हमने पीस लिए, और हमने यहाँ पे 3 to 4 टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, और हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के टोमेटो ऐसे कट के लिए हैं. आप चाहो तो इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं. हमने यहाँ पे 1 कप कर्ड काम में लिया है, और हमने यहाँ पे इंडिया गेट के बासमती राइस का 1 kg का पैकेट काम में लिया है, और 1 kg राइस में हमने 1 kg चिकन काम में लिया है. और खड़े मसालों में हमने यहाँ पे 2 teaspoon नॉर्मल जीरा लिया है, 1 जावित्री का फूल, 1 teaspoon शाही जीरा, 3 to 4 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 सिनेमन स्टिक, और थोड़े से हमने यहाँ पे लौंग काम में लिए हैं, थोड़ी सी हमने यहाँ पे काली मिर्च काम में लिए, और जायफल का छोटा सा टुकड़ा काम में लिया है. और स्पाइसेस में हमने 1.5 teaspoon रेड चिली पाउडर काम में लिया है, और 1/2 teaspoon हमने ब्लैक पेपर पाउडर काम में लिया है, और हमने यहाँ पे 1 teaspoon गरम मसाला काम में लिया है, और 1 teaspoon हमने यहाँ पे बिरयानी पुलाव मसाला काम में लिया है. और ये जो हमने मरियम का चिकन दाना काम में लिया है, टोटली ऑप्शनल है, हमने ये भी 1 teaspoon लिया है. आप चाहो तो इसको काम में भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो. और इन सभी को मिक्स कर लेंगे स्पाइसेस को. और हमने यहाँ पे 1 medium size लेमन का जूस काम में लिया है, और हमने यहाँ पे हमारे चावल भी भिगो के रख दिए हैं 10-15 मिनट तक, ताकि ये चावल अच्छी तरीके से भीग जाए. और यहाँ पे हमने 2 tablespoon ऑयल ले लिया है, और इसको गर्म होने के बाद में हमने इसमें सारे खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं. खड़े मसाले 1 मिनट तक भूनने के बाद में हमने यहाँ पे हमारे अनियन ऐड कर दिए हैं, और अब हम इन अनियन को तब तक रोस्ट करेंगे जब तक हमारे अनियन ब्राउन नहीं हो जाते. हम अनियन को कंस्टेंटली स्टिर करते हुए रोस्ट करेंगे, ताकि अनियन पैन पे स्टिक ना हो. ये देखिए हमारे अनियन अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए हैं. अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन ऐड करने के बाद में हम इसमें 1 teaspoon सॉल्ट ऐड कर देंगे. और हम इसमें सॉल्ट इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो हमारा चिकन है वो बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट होगा सॉल्ट ऐड करने के बाद में. और इसको भी हम 5 to 7 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पे कंस्टेंटली स्टिर करते हुए रोस्ट करेंगे. ये देखो 5 to 7 मिनट्स हो गए, और हमारे जो चिकन है वो बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट हो गया है. अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, और इसको भी हम 5 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे. फाइव मिनट जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ में भूनने के बाद में हम इसमें जो हमने ग्रीन चिली का पेस्ट बना के तैयार किया था वो ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसमें जो हमने स्पाइसेस मिला के तैयार किए थे वो ऐड कर देंगे. और इसको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में इसमें हम 1/2 glass पानी ऐड करेंगे. पानी ऐड करने के बाद में हम इसको 10 मिनट्स तक लो फ्लेम पे रोस्ट होने देंगे, जब तक हमारा ऑयल ऊपर नहीं आ जाता. ये देखो हमारा ऑयल ऊपर आ गया है. अब हम इसमें 1 कप हमारा कर्ड ऐड करेंगे, और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे. कर्ड
कर्ड को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में अब हम इसमें जो हमने टोमेटो कट करके रखे थे वो ऐड करेंगे। आप प्यूरी भी बना के डाल सकते हो टोमेटो की। इसको भी मिला लेंगे। और इसको अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको 5 मिनट तक भूनने देंगे अच्छी तरीके से। ये देखो 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें से एक पीस निकाल के देखेंगे कि हमारा चिकन अच्छी तरीके से भुना है या नहीं भुना है। ये देखिए हमारा चिकन अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और हमने यहाँ पे इस साइज़ के बॉल को 5 टाइम्स यूज़ किया, मतलब हमने 5 बॉल्स इसमें पानी ऐड किया है। उसके बाद में हम 6 टीस्पून हम यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। यू कैन ऐड मोर और लेस एज पर योर टेस्ट। और उसके बाद में हम इसको ढक के रख देंगे एक बॉयल आने तक। ये देखो एक बॉयल आ गया है इसके अंदर पानी में। अब हम इसमें राइस ऐड कर देते हैं। राइस ऐड करने के बाद में अब हम इसको हाई फ्लेम पे 3 to 4 मिनट्स तक ढक के रख देंगे ताकि इसमें एक बॉईल आ जाए। बॉईल आने के बाद में हमने जो अब नींबू का रस बना के तैयार किया था अब हम इसमें वो ऐड करेंगे। और हम इसको इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो हमारे राइस है वो चिपके नहीं, एकदम खिले खिले बने। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हो तो नींबू का रस आप ऐड मत कीजिए। और अब हम इसको 4 to 5 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पे ढक के रखेंगे। ये देखो हमारे चावल पक चुके हैं आधे से ज़्यादा। अब हम इसको दम करेंगे एकदम लो फ्लेम के अंदर। एकदम लो फ्लेम के अंदर हम इसको 2 मिनट तक ढक के दम करेंगे। ये देखो हमारे चावल एकदम दम हो चुके हैं। अब हम इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देते हैं और इनको मिला लेते हैं। ये देखिए हमारे चावल कितने खिले खिले बने हैं। अब हम इनको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारे चिकन पुलाव इतने खिले खिले बने और इतने स्वादिष्ट बने, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड शेयर विद योर फैमिलीज विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव मी योर ओपिनियन ऑन दिस वीडियो इन कमेंट बिलो एंड प्रेस द बेल आइकन। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। बाय।